हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज चरण। तो सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों के फेस्टिवल्स कैसे रहे? और आज भी कुछ है, आज भी है तुलसी विवाह। आप सब लोगों में कौन कौन ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहा है वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई, मेरे पास शालिग्राम नहीं थे। तो कोई बात नहीं, अब आते हैं अपने वीडियो के पॉइंट पर कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो दिवाली से जो बचे हुए हमारे दिए थे और छोटी छोटी जो मटकी होती है वो जो थी, उनके साथ आज हम DIY बनाने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक चीज़ समझ लो जैसे कि मेरे लिए ट्रायल था, लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आया, बहुत डर लग रहा था, पर ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर होना ज़रूरी है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं ये छोटी छोटी जो मटकी होती है ना, ये दशहरे पर हमारे यूज होती हैं, तो वो हम लेने वाले हैं। उसके ऊपर मैंने रस्ट कलर किया है। अब रस्ट कलर के लिए रेड कलर, उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर और येलो या ऑरेंज कलर आप मिक्स करना, तो फिर उसके बाद यही शेड आ जाता है, एकदम मिट्टी वाला नहीं होता, प्यारा सा सुंदर सा, ठीक है। उसके बाद हम इस पर सिंपल सिंपल डिज़ाइन बना, जैसे टेराकोटा प्लेट्स पर होता है ना, उस तरीके के हम डिज़ाइन इसके ऊपर बना देंगे। बहुत ज़्यादा तिकड़म वाले डिज़ाइन नहीं बनाना, सिंपल सा बनाते हुए चले जाना है। और वैसे भी ना मुझे पता है कि ये हमारे आगे आने वाले फेस्टिवल, जैसे आज जो है वो देवठान है, और इस पर आपको पता है ये वो चौक से और रेड कलर का क्या होता है वो गेरू से हम ये डिज़ाइंस ऐसे बनाते हैं घर में, और स्पेशली जो गांव साइड पे होता है वहाँ ये सब बनता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके के हम डिज़ाइंस ये बना लेंगे। तो दो तीन मटकी ऊपर मैंने ये बना लिया है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेट्स रखी हुई थी, ये ना अब ये वापस से इन हो गई हैं, पहले चलती थी जो हमारी कप के नीचे वाली प्लेट होती हैं, वो मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी तो मैंने ये ले ली है। प्लास्टिक की प्लेट्स भी ले सकते हो, और कोई और वेस्ट प्लेट पड़ी हो तो वो भी ले सकते हो। सेम कलर इसके ऊपर अप्लाई किया। अब मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ क्यों छोड़ी है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना प्लेट्स का, ये घंटे भर का टाइम है कि अगर हम एक घंटा हो गया ड्राई हो चुका है, इस पर कलर लगा देंगे, थोड़ा टाइम दे सकते हो तो देख सकते हो, कुछ लगाते हैं पीछे की साइड भी मैंने एमसील को लगाया, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि सेम टाइम पे लगाती हूं, और तो मैंने थोड़ा सा ना या तो जहां हमें पेस्ट करना या तो लगाया, और यहां पर मैं लाइट कलर रखी, ये हो गया हमारा हैंग करने की जगह, कुछ कहीं नहीं जाता है। उसके बाद इसके भी कॉर्नर्स पर मैंने डिजाइंस बना लिए। फिर बस सिंपल सी चीज, हमने लिया ये एमसील लिया है मैंने, ये व्हाइट वाला है, ब्लैक वाला नहीं है, बीच में लगाया और बस इसके ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया। यहाँ मैंने ग्लू का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये ऐसे चिपक गया, ठीक है। ऐसे मैंने तीन बना लिए और इनको ड्राई करने के लिए रख दिया। अब इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, आप वो लगाओगे ना अगर ग्लू गन से, वो भी कभी ना कभी गिर जाएगा, चाहे कितना भी लाइट वेटेड तुम्हारा क्राफ्ट हो। तो ये हमारा पहला DIY बन गया, कैसा लगा आपको? अब आते हैं दूसरे की बारी। दूसरी पर एक बॉटल लिया, छोटा सा बॉटल ले लेना है, पानी की जो 10 रुपये की बॉटल आती है ना, उसको डिस्पोजेबल प्लेट या कोई भी वेस्ट प्लेट पर साइड में मैंने ऐसे चिपका दिया, ठीक। अब ले लिए कुछ, ये वुडन स्टिक्स थी वो ले ली। यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है, क्योंकि ये मेरा ट्रायल था ऑनेस्टली, ये ऐसे नहीं था कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैंने पहली बार बनाया था और बहुत डर के, क्योंकि मुझे पता था टाइम लगने वाला है और टाइम वेस्ट ना हो और क्राफ्ट कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बहुत डर के साथ के बना रही थी मैं। तो तीन देखो ऐसे डायगनल लगाने हैं, एक ऊपर, फिर उसका थोड़ा सा साइड छोड़ के ऐसे। तो मैंने इस बॉटल में भी होल कर लिया था और अच्छे से ग्लू गन भी यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ले लिया फॉइल पेपर, इनको पूरा रैप कर लिया। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं की जो आप लोग कर सकते हो, बॉटल के ऊपर भी आपको फॉइल पेपर पूरा लगा देना है अच्छे से चिपका के, ठीक है। उसके हेड पर भी मैंने ग्लू गन से ग्लू लगाया, और फॉइल पेपर को ना ये जो फर्स्ट वाले स्टिक है इसकी तरफ थोड़ा सा डायगनल करके टेढ़ा करके ऐसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाया। अब
वॉल पुट्टी के पेस्ट में अगर आप 4-5 चम्मच वॉल पुट्टी ले रहे हो तो एटलीस्ट 1 चम्मच फेविकॉल ज़रूर मिक्स करना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिना फेविकॉल के नहीं कर सकते हो, बाकी तो पानी मिलाना ही है। फेविकॉल यूज़ करने से पता है क्या हुआ है, जहाँ जहाँ फेविकॉल यूज़ हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं आए हैं। और क्योंकि मेरी प्लेट थोड़ी डेलिकेट थी, हल्की थी, तो नीचे वाले सरफेस पे थोड़े से क्रैक्स आ गए, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे वैसे भी मिट्टी वाला लुक देना था। हाथ से थोड़ा थोड़ा ना ऐसा पेड़ का जैसा लुक देना है, ठीक। फिर मैंने ये ले लिया एक, इसमें होल करना था, अब यहाँ टेबल पे रख के नहीं हो सकता था तो बाहर जाके किया था। उसके बाद वही एमसील लिया, अब ये 20 रुपये की एमसील है जो मेरे पूरे सारे क्राफ्ट में यूज़ हुई है, ठीक है। उस होल के चारों तरफ लगा दिया और आगे से ना एक थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉप बनाते हुए ऐसे बना देना है, ठीक। इसी तरीके से सारे दिए पे भी बनाना है। अब ये भी मैं ड्राई करने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। 1 by 1 मैंने सब्बे बना दिया है। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे तैयार हो गए हैं ये इस तरीके से, और बाकी 3 दिए अलग से, ठीक है। चलो, अब बारी आती है हमारा जो वो ड्राई हो गया है, पता नहीं पूरी तरीके से हुआ है या नहीं। अब इसमें ना बहुत रफली ब्लैक कलर करना है। अब कहीं कहीं ना ये ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया था पर मुझे पता नहीं चला, तो जब मैं इसके ऊपर ब्राउन कलर करने की कोशिश कर रही थी तो वो भी ब्लैक हो जा रहा था। देखो कितना अभी ऐसा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने इस पर ऑरेंज कलर, रेड कलर डाला और ये थोड़ा पेड़ वाला लुक आ गया मेरा, ठीक है। बचे हुए जगह पे ग्रे कलर कर दिया। वाइट लेते जाओ, उसी ब्रश में ब्लैक कलर लेते जाओ और ऐसे ही करना छोड़ छोड़ के पूरा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का शेड डाल दिया। अब ये ऊपर की साइड पे हमें फिक्स करना है। ग्लू गन आपकी अच्छी हो, अच्छे से ग्लू गर्म हो जाती हो तो आप ग्लू गन का यूज़ करना, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी क्ले का यूज़ कर लेना या एमसील का यूज़ कर लेना, ठीक है। ऐसे तीनों दिए लगा दिए ऊपर की साइड, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा था तो टेढ़े ही तरीके से यहाँ पर इसे मैंने बड़े वाले को फिक्स कर दिया, ठीक। अब एक और गलती क्या की है, ये सबको पहले से पेंट करना था, क्योंकि अब पेंट करते वक्त मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और एक चीज़, वाइट कलर किया है मैंने ताकि गोल्डन कलर करते वक्त वो हाईलाइट हो रहा है हाईलाइट, पर मुझे ऐसा लगता है वाइट कलर करने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली भी करते तो भी अच्छा हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि क्राफ्टर्स गलती नहीं करते, क्योंकि वैसे भी मेरा ट्रायल था, ठीक। आर्टिफिशियल प्लांट्स छोटे छोटे से कट किए हैं मैंने, और यहाँ नीचे जो सरफेस है जो मिट्टी का लुक देने की कोशिश की है, वहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे प्लांट्स को जगह जगह अलग अलग जगह जगह फिक्स कर दिया। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये हमने लगा दिया है। आप अगर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बजरी टाइप होता है, वो भी आप डाल सकते हो। चलो अब इसे फाइनली देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। लुक वाइज इट्स परफेक्ट, बट ये नहीं पता अब मुझे, क्योंकि यहाँ पर तो हवा चल रही थी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा स्मोक को नहीं दिखा पाई। बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है मुझे तो, और आप भी लाइक कर देना प्लीज़। अब ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पर मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। तो अपना ये प्यारा सा फाउंटेन बनके तैयार हो गया है। अब देखो, मैं इसमें ये नीचे से होल करके मैंने ये इसमें लगाया, लेकिन यहाँ ना बहुत हवा चल रही थी तो ये बहुत इधर उधर उधर उड़ के जा रहा है, पर ये बहुत ही सुंदर बना है। और आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है।
तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, पीछे की आवाज को अवॉइड करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत सारा शेयर करना। और जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।